हेलो क्लास के बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी आराध्या बुक से पार्ट 10, दिल्ली की सैर। तो चलिए आप अपनी बुक निकालिए, आराध्या हिंदी बुक, और ओपन करिए पेज नंबर 44। बच्चों, इससे पहले आप लोग यूनिट 1 का आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया, उसमें आप बिजी थे, तो अब चलिए हम लोग हाफ ईयरली का भी कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। बच्चों, तो हाफ ईयरली का जो सिलेबस है वो देखिए चैप्टर 1 से, हाफ ईयरली में बच्चों चैप्टर 1 से पूरा आएगा। यूनिट में तो मैंने 4-5 चैप्टर दिए थे, बट अब इसमें हाफ ईयरली में चैप्टर 1 से लेकर के 16 तक, अश्वमेध का घोड़ा, ये आपको यहाँ तक टिक लगा लीजिए। ये हाफ ईयरली का है और इसे पहले कॉपी में आप लिख लीजिएगा। जब आप ये हाफ ईयरली का शुरू करने वाले हैं, ये पार्ट 10 चैप्टर, तो एक पेज पर पहले आप ये पूरा लिख लेंगे चैप्टर, और ऊपर हाफ ईयरली कोर्स लिख लीजिएगा। ओके, चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं दिल्ली की सैर। बच्चों, ये किसी मित्र ने अपने मित्र को पत्र में लिखा है, वो दिल्ली की सैर, वो दिल्ली घूमने गया था, तो उसने अपने मित्र को पत्र के माध्यम से वहाँ का पूरा वो घूम कर आया, क्या क्या देखा वो सब उसने बताया है वृत्तांत। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं बच्चों, दिल्ली की सैर पार्ट 10। और देखिए ये पत्र लिखा हुआ है, उसमें क्या किस तरह से पत्र लिखा जाता है ये भी आप देख लीजिए। तो अब तो बच्चों इस साइड में, राइट साइड में नहीं, सारा कुछ लेफ्ट साइड में ही लिखते हैं ना, इसमें राइट साइड में लिखा हुआ ना एड्रेस 125, तो साकेत सीतापुर, तो ऐसा नहीं है, अब तो लेफ्ट साइड में ही सारा कुछ लिखा जाता है, एड्रेस वो पूरा लेफ्ट साइड से ही किया जाता है। तो चलिए हम लोग इसे पढ़ते हैं। प्रिय मित्र शशांक, नमस्ते। तुम्हारा पत्र अभी अभी प्राप्त हुआ और इसे पढ़कर बहुत प्रसन्नता हुई। तुमने मेरी दिल्ली यात्रा के बारे में जानने की इच्छा प्रकट की है, मैं इसका विस्तृत विवरण नीचे लिख रहा हूँ। विस्तृत मतलब कि पूरा। फिर आगे क्या लिखता है मित्र उसका, हमारा 15 विद्यार्थियों का ग्रुप अपने अध्यापक के साथ 10 सितंबर रविवार के दिन प्रातः 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए चल पड़ा। बच्चों, आप लोग लास्ट टाइम गए थे ना आगरा घूमने, कौन कौन बच्चा गया था ये मुझे आप लोग मैन जो क्वेरी वाला बॉक्स है उसमें लिख करके बताइएगा, कौन कौन बच्चे गए थे आगरा घूमने, आगरा टूर पर कौन कौन बच्चे गए थे, मज़ा आया था ना सबको घूमने में। तो इसी तरह ये भी स्कूल की तरफ से बच्चा गया है, और इसका नाम क्या है, जो जिस बच्चे ने पत्र लिखा है इसका नाम है चिन्मय। तो चिन्मय ने अपने मित्र शशांक को पत्र के माध्यम से बताया है कि वह दिल्ली घूमने गया था और वहाँ उसने क्या क्या चीज़ें देखी। तो उसने लिखा है, हमारा 15 विद्यार्थियों का ग्रुप अपने अध्यापक के साथ 10 सितंबर रविवार के दिन प्रातः 5 बजे की बस से दिल्ली के लिए चल पड़ा। लगभग 12 बजे हम दिल्ली पहुंच गए। बस अड्डे से DTC की बस पकड़कर हम सीधे बिरला मंदिर पहुंच गए थे। हमने अपनी यात्रा के दौरान वहीं ठहरने का कार्यक्रम बनाया हुआ था। कहां पर ठहरने का, बिरला मंदिर है ना। फिर सर्वप्रथम हम सब ने स्नान करके भोजन किया, थोड़ा विश्राम करने के पश्चात हमने पूरे मंदिर को देखा, क्योंकि ये लोग वहीं पर ठहरे हुए थे मंदिर में ही, तो इन्होंने पूरा मंदिर देखा। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ है, दीवारों पर बने चित्र तो अत्यंत मनमोहक हैं। अनेक विदेशी यात्री भी इसे देखने आए हुए थे। मंदिर के पिछले भाग में बना उद्यान मतलब पार्क, तो सचमुच दर्शनीय है। वहाँ हमारे इतिहास के अनेक वीरों की मूर्तियाँ स्थापित हैं। दूसरे दिन हम लाल किला देखने गए। यह बड़ा गौरवशाली किला है। इसके भीतर दीवाने आम और दीवाने खास, बहुत सुंदर स्थान है।
यहाँ मुगल सम्राट अपनी सभाएं किया करते थे। हम लोग जब बच्चों वहाँ गए थे आगरा, तो वहाँ भी देखा था ना हम लोग ने, जब हम लोग फतेहपुर सीकरी गए थे घूमने, तो वहाँ हम लोगों ने देखा था ना दीवाने आम दीवाने खास, वहाँ भी था। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ मुगल सम्राट अपनी सभाएं किया करते थे। रानियों के नहाने के लिए बना हुआ स्नानागार तो कमाल का बना हुआ है। लाल किला देखने में लगभग सारा दिन लग गया। बाहर आकर हम चांदनी चौक चले गए, जो इस किले के निकट ही पड़ता है। किस किले के निकट पड़ता है? चांदनी चौक, लाल किले के निकट। वहाँ हमने खाना खाया और बिरला मंदिर वापस आ गए। फिर तीसरे दिन हम चिड़ियाघर देखने गए। हमने दोपहर का भोजन साथ ले लिया तथा सवेरे सवेरे ही वहाँ जा पहुँचे। इस चिड़ियाघर में अनेक पशु पक्षी देखकर मन बहुत ही प्रसन्न हुआ। दोपहर को हमने अपना खाना खाया और चिड़ियाघर के निकट के ऐतिहासिक भवन देखने चले गए। वे हैं पुराना किला तथा हुमायूं का मकबरा। फिर चौथे दिन हम कुतुब मीनार देखने गए। इस मीनार की ऊंचाई देखकर हम चकित रह गए, है ना? कुतुब मीनार तो है ही बच्चों, कितना ऊंचा। फिर एक एक करके हम इस मीनार की सीढ़ियां चढ़ते गए, परंतु इसके शिखर तक ना जा सके, क्योंकि वहां जाने की सरकार ने मनाही कर रखी है। इस मनाही का कारण कुछ दुर्घटनाएं थी। हम दोपहर तक कुतुब मीनार से बिरला मंदिर लौट आए, है ना? हम दोपहर तक कुतुब मीनार से बिरला मंदिर लौट आए। फिर दोपहर का खाना खाने के बाद कुछ विश्राम किया। विश्राम मतलब आराम किया। लगभग 3 बजे हम जामा मस्जिद देखने गए। यह मस्जिद लाल किले के सामने है। शाहजहां ने इसे बनवाया था। जामा मस्जिद बहुत ही भव्य भवन है। यह भूतल से काफी ऊंचाई पर बनी हुई है। भीतर से यह मस्जिद अत्यंत विशाल है। इसका गुंबद दिखने योग्य है। हम हैरान थे कि इतने बड़े बड़े पत्थर इतनी ऊंचाई पर किस प्रकार चढ़ाए गए हैं। पांचवें दिन हम संसद भवन और राष्ट्रपति भवन देखने गए। यह भवन तो अत्यंत विशाल है। संसद भवन गोलाकार इमारत है। संसद भवन बच्चों कैसा है? गोलाकार है ना, देखिए पिक्चर में बना हुआ है। राष्ट्रपति भवन के पीछे बना मुगल बाग देखने योग्य है। यहाँ चारों ओर फूल दिखाई दे रहे थे। बच्चों ये जो मुगल बाग है ना, तो ये खोल दिया जाता है कभी कभी, जैसे कि लोग जा करके इसे देखते हैं। वहाँ पर बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए हैं। छठे दिन प्रातः से दोपहर तक हमने विश्राम किया। दोपहर का भोजन करने के पश्चात हम उच्चतम न्यायालय देखने गए। इस न्यायालय का भवन तराजू के आकार का बना हुआ है। इसे देखकर हम चकित रह गए, है ना? इसका आकार कैसा है? तराजू के आकार का है। फिर सायंकाल तक घूमते घूमते हम वापस बिरला मंदिर आ गए। रात्रि को भोजन किया और सो गए। अगले दिन हमें वापस सीतापुर लौटना था, अतः हम प्रातः शीघ्र ही उठ गए। सबने अपना अपना सामान बांध लिया। प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर अल्पाहार किया। फिर अल्पाहार का मतलब है नाश्ता किया। फिर क्या किया? तथा मंदिर से चलकर निकटतम बस स्टॉप पर आ गए। वहां DTC की बस में बैठकर हम अंतरजातीय बस स्टैंड पहुंच गए। हमने सीतापुर के लिए बस पकड़ी और अपराहन दोपहर के बाद तक घर पहुंच गए। कैसा लगा तुम्हें दिल्ली यात्रा का यह विवरण? मुझे विश्वास है कि इसे पढ़कर तुम्हारा मन भी दिल्ली देखने के लिए ललचा उठेगा, है ना बच्चों? तो अच्छा लगा ना? और बिल्कुल मन तो करता है ना कुछ इस तरह का पढ़ो तो, घूमने का। और हम लोग जब ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो हम लोगों को, हम लोग ने जो
टूर पे हम लोग गए थे तो उसकी भी याद आती है ना, हम लोग ने कितना अच्छा सब कुछ देखा था। जो भवन हम लोग देखते हैं बच्चों, तो कितनी अच्छी सुंदर नक्काशी की हुई रहती है ना, तो देखकर अच्छा लगता है। और आप लोगों ने खूब फोटोज़ भी ली थी। ओके बच्चों, तो ये पाठ अच्छे से एक बार और रीड करिए, पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर इसके बाद जो प्रश्न प्रहर है, इसे आप खुद से करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर जब रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या सही है क्या गलत है। वैसे मैंने ये किया है, लेकिन आप लोग इसे पढ़ने के बाद खुद से करिए, खुद से करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसके शब्द अर्थ लिख लीजिएगा। ओके बच्चों, ओके बाय बच्चों।